हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू पूनम चौबे ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ककलेट, आलू से ककलेट। अच्छे बनेंगे और टेस्टी भी बनते हैं, आपको भी बनाने आता होगा। बट एक इस रेसिपी से अगर बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा, और एक बार ज़रूर बना के देखना और नाश्ता में सबको सर्व करना है। तो आइए बताते हैं कि कैसे बनाया हमने। हमने आलू ले लिया है, बॉयल किया हुआ आलू है। आपको जितने लेने हैं आप उतना आलू ले सकते हो। तो हमने 3-4 आलू ले लिया है, और ये हमारे 2 ब्रेड हो गए हैं। 2 ही ब्रेड लिया हमने, क्योंकि 4-5 आलू में 2 ब्रेड काफ़ी होते हैं। आपको जैसे बढ़ाने हो तो आप आलू और ब्रेड भी बढ़ा सकते हो। तो ये हमने आलू ब्रेड को जो है ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह बन जाएगा ये। तो ये इसको हमने ग्रेट कर लिया है, ये हमारा पाउडर बन गया है। उसके बाद ये हम आलू जो है हम ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि आलू हमारा ठंडा हो गया है। गरम अगर आलू है आप मैश भी कर सकते हो उसको, बट मैश से अच्छे से मैश नहीं होता। तो इसको हमने ग्रेट कर लिया है, और ब्रेड जो है हमने ब्रेड का जो पाउडर था हमने ब्रेड को इसमें डाल लिया है। और जो आपको सब्जियां डालनी हो, वेजिटेबल अगर शिमला मिर्च वगैरह है तो आप डाल सकते हो। हमने इसमें थोड़ा सा गाजर डाल दिया है, धनिया की पत्ती ग्रेट करके डाल दिया हमने, प्याज डाल दिया, और चिल्ली पाउडर, नमक। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं ऐड करने हैं, थोड़ा सा ये चाट मसाला है, ये है हमारा काली मिर्च पाउडर जिसे ब्लैक पेपर कहते हैं, और ये हमारा हरी मिर्च और लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट है। अगर आपको स्किप करना हो तो आप कर सकते हो, बट इससे टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये हमने थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम मिक्स करेंगे, हम ज़्यादा आटे में इसको गूंथेंगे नहीं, गूंथना नहीं है। थोड़ा सा हल्के हाथ से, बस हाथ जो है बिल्कुल लाइटली होनी चाहिए, हल्के हाथ से इसको हमको मिक्स करना है। उसमें एक हम और इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हमने इसमें 1 से 1.5 चम्मच आरारोट डाला है, आरारोट जिसको बोलते हैं कॉर्नफ्लोर। इससे डालने से जो है हमारा थोड़ा सा क्रिस्पी बनता है, कुरकुरे से बनते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे, बस 2 मिनट के लिए। उसके बाद जो है हमारा आलू जो है, हम थोड़ा सा आलू को आप किसी भी आकार में दे सकते हैं, छोटे छोटे गोले गोले आलू को हम थोड़ा सा बना देंगे। जैसे आपको जो आकार देना हो, छोटे बड़े आप उस साइज़ के कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद हम ले लेंगे थोड़ी सी सूजी, ये हमने कढ़ाई रख दी है, तेल हमारा तब से गर्म हो गया है, आलू कर लिया हमने, ये हमारी सूजी हो गई फ्रेंड। और सूजी में हम इसको अच्छी तरह से लपेट लेंगे, पूरा चारों तरफ से इसको मिक्स करके। उसके बाद इसको हम कढ़ाई, जो हमारा तेल गर्म हो गया है, उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए, हमारा तेल भी गर्म हो गया था, अब हम इसको गर्म करके डालते जाएंगे, उसमें मिक्स करते जाएंगे और डालते जाएंगे, और बिल्कुल लाल होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे, और बहुत ही टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। एक बार बना के आप देखना और मुझे कमेंट में करना कि आप कैसे बनाते हो, या मेरी रेसिपी कुछ अलग सी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। ज़रूर बताना आप कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारा ये ककलेट कैसा लगा। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर का टेस्ट देखिए, बहुत ही टेस्टी बना। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।